फायर डेंजर रेटिंग्स आपको बताती है कि यदि कोई आग लग जाती है तो ये कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेटिंग जितनी अधिक होगी स्थितियाँ उतनी ही अधिक खतरनाक होंगी। रेटिंग कार्रवाई करने के लिए आपको दिए इशारे की तरह होनी चाहिए। विक्टोरिया में 9 फायर वेदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट शहर के लिए फायर डेंजर रेटिंग्स का पूर्वानुमान प्रतिदिन अधिकतम 4 दिन पहले तक किया जाता है। फायर डेंजर रेटिंग्स मध्यम पर शुरू होती है। इन स्थितियों में अधिकांश आग की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। अगली रेटिंग उच्च होती है। इन स्थितियों में आग की घटनाएं खतरनाक हो सकती हैं। कदम उठाने के लिए तैयार रहें। सबसे सुरक्षित विकल्प बुश फायर के खतरे के क्षेत्रों से बचना है। अत्यंत की रेटिंग होने का अर्थ है कि आग तेजी से फैल जाएगी और अत्यंत खतरनाक होगी। अपने जीवन और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। बुश फायर के खतरे वाले क्षेत्रों से यात्रा करने पर पुनः विचार करें। आपातपूर्ण रेटिंग होने का अर्थ है कि यदि आग लग जाती है और बनी रहती है तो प्राण जाने की संभावना होती है। इन दिनों में आपको बुश फायर के खतरे वाले क्षेत्रों से निकल जाना चाहिए। इन स्थितियों में घर आग की मार सह नहीं सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर जाकर सुरक्षित रहें। प्रातःकाल या एक रात पहले अपनी फायर वेदर डिस्ट्रिक्ट को जानें। यदि आप किसी बुश फायर के खतरे वाले क्षेत्र में रहते, काम करते या यात्रा करते हैं तो हर रोज फायर डेंजर रेटिंग्स की जांच करने की आदत डालें। किसी आग के शुरू होने से कहीं पहले शुरू में ही निकल जाना हमेशा आपका सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। याद रखें, चेतावनियों पर नजर रखें और सूचित रहें।